वज़ीर आला पंजाब टांगों और हाथों से महरूम बाहिम्मत तालिबा की आवाज बन गए। उस्मान बुज़दार का तालिबा किरण इश्तियाक की माली इमदाद और भाई को मुलाजमत देने का हुक्म। रहीम यार खान के नवाही गांव से ताल्लुक रखने वाली तालिबा ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की थी। मुल्तान की दो माजूर बहनें अजमो हिम्मत की मिसाल। 24 साल अनीता और अमरीन माजूर होने के बावजूद हुनरमंद, बड़ी निफासत के साथ कपड़े सिलाई करती हैं। पैसे ना होने की वजह से इलाज नहीं करवा सकती। हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमें कोई नौकरी दी जाए, अनीता और अमरीन की अपील। जनूबी पंजाब के फंड दूसरे इलाकों में खर्च नहीं होंगे, इंसाफ हुकूमत आवाम की फलाह बहबूद के लिए पूछा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब, कहा कि रुकावटों के बावजूद तारीख में पहली बार जनूबी पंजाब का सालाना तरक्याती प्रोग्राम अलहदा बनेगा। हमारे पास दो तिहाई अक्सरियत होती तो हम सूबा बना देते। वैक्सीन लगवाओ कोरोना मुकाओ। इम्तिहानात से पहले असासा की वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी। अब तक 800 से ज्यादा असासा ने वैक्सीन लगवा ली। दूसरी जानी पीएचए और वासा मुल्तान के मुलाजमीन को भी वैक्सीन लगाने का अमल जारी। पीएचए के 780 मुलाजमीन और वासा के 1600 मुलाजमीन को वैक्सीन लगाई जाएगी। रहीम यार खान ने खिदमत आपकी दहलीज पर मुहिम नाकाम हो गई। मुहिम गटरों का पानी आपकी दहलीज पर में तब्दील। नियाजी कॉलोनी और सेटेलाइट टाउन की गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। इंतजामिया बराए नाम अमली इकदाम करने में मसरूफ। मकीन नाकिस इंतजाम पर परेशान। इंतजामिया से सफाई मसला हल करवाने का मुतालबा। खानेबाल की कॉलोनी नंबर 3 का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद। मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। इंतजामिया ने एक माह से फिल्ट्रेशन प्लांट को ताले लगा दिए। इलाका मकीन कहते हैं म्यूनिसिपल कमेटी को मुतादद बार दरख्वास्तें दी मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। फिल्ट्रेशन प्लांट का बोर्ड बढ़ गया है, जल्द ठीक करवाएंगे। सीओ म्यूनिसिपल कमेटी तहार बंगिश की यकीन दहानी। तोनसा शरीफ में हाउसिंग कॉलोनी के मकीन बुनियादी सहूलियात की अदम फ्राहमी पर सरापा एहतजाज। बिजली पानी ना सीवरेज का बेहतर इंतजाम, गंदगी के ढेर ही ढेर। हाउसिंग कॉलोनी में 7 साल से सीवरेज लाइन भी फाल ना हो सकी। वजीर आला पंजाब वादा पूरा करें और हाउसिंग कॉलोनी को सहूलियात दें, मकीनों की दुहाई। जल इंतजामिया की गफलत या नाअहली। जतोई में 32 कनाल पर मुश्तमिल रेस्ट हाउस डमरवाला शुमाली खस्ता खाली का शिकार। कीमती सामान चोर ले उड़े। इंतजामिया की अदम तवज्जो ने रेस्ट हाउस को भूत बंगले में बदल दिया। चार दीवारी न होने से नशियों के डेरे। शहरियों का आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्तान सखर मोटरवे M5 पर तेज रफ्तार गाड़ी, लेन वायलेशन और काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम। सेक्टर कमांडर SP राणा सरफराज का कहना है जदीद ITS सिस्टम के जरिए गाड़ियों की स्पीड चेकिंग और लेन वायलेशन चेक की जा रही है। मुल्तान की यूनियन काउंसिल 68 में तरक्याती काम शुरू। तारिकाबाद से अहमदाबाद को मिलाने के लिए नई सड़क की तामीर का आगाज हो गया। PTI रहनुमा राव आसिफ अनवर का तरक्याती मनसूबों का जायजा। राव आसिफ अंदर बोले नया रोड बनने से दो बड़े इलाकों का सफर आसान होगा। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर का नोटिस। मोहल्ला निजामपुरा में 10 माह से बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट फाल होने पर शहरी खुश। शहरी रोही टीम के बेहद मशकूर। मुल्तान में पीपल्स पार्टी खवातीन विंग का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। सिटी सदर PP आपदा बुखारी समेत दीगर उहदेदारान और जियालों की शिरकत। खवातीन की पार्टी परचम उठाकर हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कहती है महंगाई से हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। इंसाफ हुकूमत होश के नाखून ले। चौदह जून को पंजाब का बजट पेश होने को तैयार। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं जनूबी पंजाब को ज्यादा फंड्स दिए जाएं। जनूबी पंजाब की ज़राअत और मजदूरों के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएं। जब से PTI हुकूमत आई है जनूबी पंजाब को कुछ नहीं मिला।
घोटे वाले पुल के करीब दरियाए चनाव में एक शख्स डूब गया। नामालूम शख्स दरियाए चनाव में नहाते हुए डूबा। रेस्क्यू की टीम चाय हादसा पर पहुंच गई। टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। पुल डीजी के नाल में 8 साल बच्चे के डूबने का मामला। कोटचुट्ठा पुल पर बच्चे को तलाश करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। लाश तहाल न मिल सकी, लवाहकीन का रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। शहरे औलिया में नौसरबाजी की वारदातें थम न सकी। एसपी चौक पर नामालूम अफराद बुजुर्ग शहरी को नशावर चीज खिलाने के बाद लूट कर फरार हो गए। रेस्क्यू अमले ने मुतासरा शहरी को तिबी इमदाद के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सेक्रेटरी जर्रा जनूबी पंजाब साकिब अली अतील का शहर सुल्तान में डॉक्टर खालिद बुखारी के जरिए फॉर्म का दौरा। आम और अनार के बागात और इस्तेमाल होने वाली जदीद मशीनरी का मुआयना किया। बोले सूबे भर में मौजूद 11 बायो लेबोरेटरीज को अपग्रेड किया जा रहा है। एमपीए सरदार अहमद अली दरेशिक का कबायली इलाके बवाटा का दौरा। हल्के के लोगों और कबायली आमायदीन से मुलाकात, मसाइल सुने और हल करने की यकीन दहानी कराई। अहमद अली दरेशिक ने कहा वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने कबायली इलाकों पर खसूसी तवज्जो दी है। कबायली इलाकों में बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। डीपीओ बहावलपुर की थाना हैदराज का यजमान में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल और तफ्तीश बारे तहफ्फुज़ात सुने। मुतालिका अफसरान और एसएचओस को मैरिट पर तफ्तीशी मराहल मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी। फैसल कामरान बोले फराइज में कोताही बरतने वाले तफ्तीशी अफसरान को सख्त एहतसाबी अमल से गुजरना पड़ेगा। मुल्तान के वासियों के लिए अच्छी खबर। एसी रेफ्रिजरेटर और एलईडी अब मिलेंगे डिस्काउंट रेट्स पर। चेंग होंग रुबा की जानिब से 15 रोजा समर सेल मेला सज गया। डायरेक्टर पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स मोहम्मद सुहेल अकरम कहते हैं चेंग होंग रुबा शहरियों को बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया मुहैया कर रहा है। प्रोडक्ट्स की खरीदारी करने वाले खुश नसीब का नाम कुरानदाजी में शामिल किया जाएगा। और कोरोना वबा के बाद डेरा गाजी खान में खेलों के मैदान आबाद हो गए। सिटी क्रिकेट के लिए क्रिकेट स्टेडियम में अंडर-19 के ट्रायल्स। पीसीबी को 5 रुकनी टीम 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के ट्रायल्स ले रही है। 20 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया जाएगा।